और पंजाब में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,23,10,582 हो गई। 2018 के मुकाबले में पंजाब में वोटर्स की तादाद में 1,16,37,811 का इजाफा, जबकि पंजाब में रजिस्टर्ड मर्द वोटर्स की तादाद 3,87,20,097 हो चुकी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक जी बिल्कुल, 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में पंजाब में कितने कुल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और गुज़श्ता इंतखाबात की निस्बत अब कितने वोटर्स की तादाद में इजाफा हुआ, इससे मुतल्लिक डाटा दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। डाटे के मुताबिक सुबह पंजाब में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,23,10,582 है, जबकि 2018 के मुकाबले में पंजाब में वोटर्स की तादाद में 1,16,37,811 वोटर्स का इजाफा हुआ। इसके साथ साथ ये भी जो दस्तावेज़ात दुनिया न्यूज़ ने हासिल की हैं उसके मुताबिक लाहौर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद भी सबसे ज़्यादा है पंजाब के तमाम अज़ला के मुकाबले में, और इस हवाले से लाहौर में जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उस हवाले से 67,24,633 है, जबकि लाहौर की कुल आबादी 1,20,08,000 से ज़ायद है, और इस हवाले से जो मर्द हजरात के जो वोटर्स की तादाद है लाहौर में उसमें भी इजाफा हुआ है, और उस रिकॉर्ड के मुताबिक लाहौर में मर्द वोटर्स की तादाद 35,78,725 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद में भी लाहौर में इजाफा हुआ है, और दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर में खवातीन वोटर्स की तादाद 31,45,908 है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट मरी में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद कुल तादाद 2,90,931 है। तो ये वो डाटा है जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।